हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। एमबीबीएस अब्रॉड 2022 के लिए आप सोच रहे हैं, बहुत सारे कंट्री की डिग्री वैलिड नहीं है और मैं प्रूफ के साथ आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। डोंट गो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, और जाए तो कहां जाना है ये मैं आपको बात कर रहा हूं। एनएमसी गैजेट क्या है और हेल्थ मिनिस्टर का सबसे बड़ा बयान क्या आया था वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो हम बात करते हैं लाइसेंस पे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई 2022 को जजमेंट आ गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ केस किया गया था कि ये जो एनएमसी गैजेट है उसके हर पॉइंट पे, तो उन्होंने बोला था कि लाइसेंस चाहिए, ठीक है, और ये जजमेंट है और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एक उदाहरण भी दिया गया था, जैसे अपना जो होटल में सेफ होता है, यहाँ पे देखिए, मास्टर ऑफ सेफ टेस्ट द फूड प्रिपेयर बाई भीम बिफोर ही सर्व टू द गेस्ट। जैसे होटल में गेस्ट को सर्व करने से पहले सेफ खुद ही चख के देखता है, उसी तरह हमारे जो अब्रॉड में स्टूडेंट जा रहे पढ़ने, वहां के पब्लिक पे पहले प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्लियर क्लियर है, तो आपको लाइसेंस लेके आना है, ये क्लियर है इसमें, ठीक है। जहां भी जा रहे हैं आप, डबल इंटर्नशिप है, वहां भी इंटर्नशिप करना है, यहाँ भी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप हम पार्लियामेंट में जो हेल्थ मिनिस्टर का बयान है उन्होंने क्या बोला है, अब्रॉड जाने से पहले क्या जरूरी है, वो उनका पहले हम ये सुन लेते हैं, ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे वीडियो को बढ़ाएंगे। ये देखिए हेल्थ मिनिस्टर का, पहले सुनिए क्या सुनिए। इसलिए हमारे स्टूडेंट विदेश में भी पढ़ने के लिए जाते हैं, और इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने निश्चय किया कि देश में ही मेडिकल कॉलेज बढ़े, देश में ही सीटें बढ़े, और इसलिए जो पहले 52,000 MBBS की सीट हुआ करती थी, आज केवल 8 साल में वो 101,063 सीट ऑलरेडी हो चुकी है। अभी भी सीट अभी आगे बताएंगे ताकि स्टूडेंट को यहाँ अवसर मिले। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदन को, माननीय संसद को बताना चाहता हूँ कि जब बाहर स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं तो कई स्टूडेंट हमारे पास शिकायत आती है, टाउट के भूख बन जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ एजुकेशन, ये कंट्री में चले जाओ, ये कंट्री में चले जाओ, वहाँ एडमिशन भी करवा लेते हैं। एनएमसी ने एक क्लियर गाइडलाइन डिक्लेयर की है, सुनिए, विदेश में हमारे स्टूडेंट जाके डॉक्टर ना बने ऐसा हम नहीं चाहते, वो जाए डॉक्टर बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। कई कंट्री ने क्या करके रखा है, यहाँ से स्टूडेंट को वहाँ ले जाते हैं, नर्स के रूप में उसको काम करवाते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम आपको डॉक्टर बना दिया, लेकिन वहाँ उसको प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते, समझ गए। और इंडिया में आके जाओ और इंडिया में आप SMG की एग्जाम पास कर दो और इंडिया में ट्रीटमेंट करो, इंडिया में डॉक्टर के रूप में काम करो। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि विदेश में पढ़ने जाने वाले सभी स्टूडेंट को तीन बातों को एश्योर करना है, और सभी आप द्वारा भी, आपके पास भी कई स्टूडेंट आते रहते हैं। एक, यहाँ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स, समझ गए, दुनिया में जिस कंट्री में हो वहां ही जा सकता है। तीसरा, जिस कंट्री में जाए उसको रजिस्ट्रेशन वहां प्रैक्टिस करने का भी मिलना चाहिए, वहां लाइसेंस वहां उसको प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलती नहीं है। देखिए, तीन पॉइंट आपने बताया, सुना तीन पॉइंट, अब आगे बात करते हैं। ये तीन पॉइंट आपको पार्लियामेंट में जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने साफ साफ बताया है। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूं दोस्तों कि अब कौन कौन सा कंट्री है जो वैलिड है, जहां ये सारे चीजें मिलती है आपको, ठीक है। पहला, लाइसेंस लेना है, लाइसेंस लेना है इतना भी आसान नहीं है, तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वही जाए, ठीक है, और गार्जियन भी प्रेशर ना बनाए, अगर बच्चे का कुछ और है तो उनको कुछ और कराए, ठीक है। पहला, फिलीपींस कभी नहीं जाना है, क्योंकि यहां आपकी डिग्री वैलिड नहीं है, इंडियन एम्बेसी पहले ही बोल चुका है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र और गुजरात के जो तेज थे वो फंस गए हैं, तो ये ध्यान दीजिए। और मैंने आपको ये प्रूफ भी बताया था क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि वहां लाइसेंस नहीं मिलता, ठीक है ना, ये सारे। तो बांग्लादेश का जो डिग्री है दोस्तों ये वैलिड है, और इसका यहाँ लाइसेंस भी आपको मिलता है, और सेम जो इंडिया में सिलेबस है, सेम सिलेबस है और सेम बुक पढ़ाया जाता है। अगर कोई कंट्री है जो सबसे ज्यादा वैलिड है आफ्टर एनएमसी गैजेट, तो वो है बांग्लादेश, ठीक है, ये क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं नेपाल, नेपाल की भी डिग्री वैलिड है, और यहाँ भी कोर्स ड्यूरेशन 4.5+1 ईयर है, इंडिया में सेम है वैसे ही है,
और इसका प्रूफ क्या है ये भी प्रूफ देख लेते हैं। नेपाल मेडिकल काउंसिल के वेबसाइट पर जाएंगे, ये आप एनएमसी यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए एनएमसी वहां .org.np और इस एक्ट में जाएंगे तो जो ये एक्ट है नेपाल मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2024, तो इसमें लिखा हुआ है आपको कि लाइसेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक ये वैलिड है। अब बात करते हैं जॉर्जिया, जॉर्जिया आपको जाना नहीं है, महाराष्ट्र में ज्यादा प्रमोशन हो रहा है, बच्चे जा भी रहे, लेकिन वहां अल्टे के मर्सिडीज के मेरी मीटिंग हुई थी और बहुत सारे प्रूफ है जिसके हिसाब से देखिए यहाँ कोर्स जो ड्यूरेशन है वो 6+3 मतलब कम से कम आपको पीजी के बाद लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज जूनियर डॉक्टर लोग बोलते हैं बना देंगे, जूनियर डॉक्टर नहीं चाहिए हमको, लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस चाहिए। तो यहाँ जो भी भेज रहे हैं एजेंट आपके साथ फ्रॉडिंग कर रहे हैं, ध्यान रहे, ठीक है। और ये रहा उसका प्रूफ, आपके प्रूफ की बात करेगा तो ये आपके स्क्रीन पे मैंने आपको ये प्रूफ दिया हुआ है और इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे आपको लाइसेंस मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की डिग्री वैलिड है और यहाँ पे 5+1 ईयर अलग से इंटर्नशिप है, तो ये भी बांग्लादेश के बाद अगर देखेंगे तो अच्छा कंट्री माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप अलग से है, 5 साल आपका थ्योरी है, 1 साल अलग से है और एमडी की डिग्री मिलेगी और यहाँ पे ये रहा प्रूफ, ठीक है। और ये चेंज कब हुआ था, 4 जुलाई 2022 को, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट 360 एकेडमिक क्रेडिट 6 ईयर मेडिसिन इसके लिए, और ये जो है यहाँ पे एग्जाम जो होगा कजाक रशियन और इंग्लिश में लाइसेंस का एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये हो गई, अब बात करते हैं चाइना, यहाँ की भी डिग्री वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है इंग्लिश मीडियम में भी है, लेकिन यहाँ जो लाइसेंस की पेपर है ना दोस्तों वो चाइनीज लैंग्वेज में, यहीं पे आप फंस जाओगे, इसलिए वेरी टफ वहां निकालना, पढ़ो इंग्लिश में पेपर उसमें दो, ठीक है। तो इसलिए बच्चे नहीं जा रहे हैं आजकल, सो आपको अवॉइड करना है, चाइना नहीं जाना है, ठीक है। और ईमानदारी से मैं ये चीजें बता रहा हूं आपको, आप विश्वास करें, एमबीबीएस रसिया सबसे ज्यादा 2022 में भी बच्चे यहाँ पे गए, 2023 में भी गए और इस बार 2024 में भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहाँ जाएंगे, क्योंकि रसिया और इंडिया का जो संबंध है, इंडिया और रसिया का जो बहुत पुरानी दोस्ती है इंडिया और रसिया में, ठीक है। और यहाँ बहुत सारे डॉक्टर यहाँ से पास आउट है, यहाँ पे ये चीजें जो आपको मार्केट में मिलेगी इंटर्नशिप को लेके, लोग आपको बोलेंगे इंटर्नशिप यहाँ इंक्लूडेड है और एनएमसी एक्सक्लूडेड मांग रही है, ठीक है, एक एक पॉइंट है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ से आएगा, क्योंकि 90% स्टूडेंट यही से आएंगे और एनएमसी, आपने अभी हेल्थ मिनिस्टर का क्या बयान सुना, उन्होंने ये नहीं बोला अलग से, या उन्होंने ये बोला, 3 बातों का ख्याल रखना है, अभी आपको वीडियो में मैंने बताया था हेल्थ मिनिस्टर ने, तो उसमें क्या बोला, अपने यहाँ का जो कोर्स ड्यूरेशन है 5.5 साल इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब जो है अलग से और ये सब बनाया इंजीनियरों का बनाया हुआ कहानी है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर तो हम लोग से बड़ा है ना, उनको तो पता होना चाहिए चीजें, ठीक है। तो प्रेशर आएगी और ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उस समय। अब बात करते हैं यहाँ की प्रूफ की, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एम्बेसी का साइट है और जिसमें जाएंगे एजुकेशन सेंटर, इसमें स्टडी इन रसिया, और यहाँ पे ये डाउनलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ जब डाउनलोड करेंगे तो आपको ये प्रूफ दिखाई देगा, ठीक है, उसमें साफ साफ ये दिया हुआ कि ये ड्यूरेशन ऑफ अंडर के जो जनरल मेडिसिन प्रोग्राम इन रसिया इज 6 ईयर, इट इज कम्प्राइज टोटल 12 सेमेस्टर विद द 2 ईच इन अ ईयर, ठीक है। स्टूडेंट इन रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी अंडर गो क्लिनिकल रोटेशन क्लर्कशिप 12 मंथ्स और मोर ड्यूरिंग देयर कोर्स, ठीक है ना, ये साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। डिप्लोमा बाई रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी बी आर रजिस्ट्रेशन नंबर कम्प्लीट रशियन स्टूडेंट नीड टू क्लियर एग्रीडेशन एग्जाम, यहाँ पे भी आपको एक एग्जाम होगा वो देना पड़ेगा और रशियन लैंग्वेज में होगा, ठीक है, और उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये है, अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान की, MBBS इन उज्बेकिस्तान, यहाँ पे भी वैलिड है, 5+1 ईयर कोर्स है। आपको बता दूं रसिया का ही एक तरह से देखे उसी से निकला हुआ है सारे कंट्री, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया, ये जितने भी कंट्री है, यूक्रेन, सब रसिया, यूएसएसआर का पार्ट हो जाता, UNSSR का पार्ट हो जाता 1991 में, तो इनकी जो पढ़ाई है उसी तरह है और ये छोटी कंट्री है, लेकिन यहाँ पे कोई लाइसेंस की पेपर नहीं है, जैसे भारत में आप कोई बोलेगा
जैसे भारत में अभी तक कोई लाइसेंस की पेपर नहीं है, उसी तरह यहाँ भी कोई लाइसेंस की पेपर नहीं है। अब भारत ने नेक्स्ट बनाया लेकिन अभी तक लागू नहीं किया। अभी डॉक्टर कैसे बनते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, उज्बेकिस्तान, एमबीबीएस कीजिए, डॉक्टर बन जाइए, ठीक है। और यहाँ ये रहा प्रूफ, ठीक है, सिक्स ईयर अगर रशिया की वैलिड है देन ये भी वैलिड है, ठीक है। और ये प्रूफ जब इंडिया ने मैसेज लिख के दे रही है तो कुछ सोचना नहीं है। अब बात करते हैं एमबीबीएस इन किर्गिस्तान। देखिए दोस्तों, यहाँ भी कोर्स ड्यूरेशन 5+1 है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इंडियन एम्बेसी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, तो अवॉइड करना है, हमारे बोलने और आपके बोलने से नहीं जाना है, आप समझ रहे हो। मैं क्यों नहीं बच्चे भेज रहा, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है, जब तक इंडियन एम्बेसी प्रूफ नहीं देगा आपको नहीं जाना है। अब बात करते हैं एमबीबीएस इन इजिप्ट। देखिए यहाँ पे भी कोर्स ड्यूरेशन 6+1 है, कोई आपको 5+1 बोल रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। और ये लॉ है अकॉर्डिंग टू द लॉ नंबर 153 2019 में पास हुआ था द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और उसमें साफ साफ लिखा था 6+1, मतलब 2 साल का यहाँ इंटर्नशिप होगा आपको, ये मान के चलिए, ठीक है। और ये वहां पे दिया गया था तो 7 ईयर कोर्स है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं बेलारूस। बेलारूस में नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन 6+3 है, और ये मैंने आपको प्रूफ अटैच किया हुआ है, 6+3 के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा, तो ये दिक्कत है यहाँ पे दोस्तों बेलारूस में, ठीक है। तो आप बहुत सारे ऐसे कंट्री आप बात करेंगे, बहुत सारे कंट्री है, ईरान है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिसके आप बात करेंगे, आप वियतनाम है, आप एजेंटों से बोलिए कि इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट पे दिखाओ सर कि इधर लिखा हुआ है कि लाइसेंस मिलेगा, एनएमसी गैजेट के बारे में कुछ लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो आपको विश्वास किसी पे नहीं करना और आपकी वो डिग्री वैलिड नहीं होगी इंडिया में आप आएंगे वापिस। तो इसलिए ध्यान रहे, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और अगर आप सही में पढ़ना चाहते हैं और बाहर जाना चाहते हैं तो अच्छे यूनिवर्सिटी हमारी टीम एडमिशन कराएगी। देखिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मैं पहले ही बोल रहा, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वही यही इंडिया रब रहो आप, मत जाओ, ठीक है। और आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम में डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर पंकज यादव जो इंडिया से एमबीबीएस एमडी किए हुए हैं, इंडिया से, वो ऐसे डॉक्टर नहीं जो डॉक्टर लगा लेते हैं और एफएमजी पास आउट नहीं है, तो बहुत सारे एजेंट है जो आप छोड़िए, तो ये मेरा नंबर है जिसपे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।